लड़ोगे? नहीं नहीं नहीं, एक बार और लड़ोगे? क्या बढ़िया था गुरु। तो फाइनली आदि पुरुष का ट्रेलर आ चुका है, जहां आप ट्रेलर में देख ही सकते हैं कि इतने सारे विजुअल दिखाए गए हैं। लेकिन आपने क्या कुछ नोटिस किया है क्या, सैफ अली खान का लुक कहाँ है? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उसी पे लगा हुआ है कि सैफ अली खान का जो बड़े बड़े दाढ़ी वाला और छोटे बाल वाला जो सीन है और चमगादड़ वाला सीन, इन सबको क्यों हटाए दिया गया? रामायण के बेसिक से प्लॉट को और डायलॉग्स को ही रखा गया है और बाकी कुछ कुछ उन चीज़ों को छुपाने की कोशिश की गई है। आप ध्यान से देख सकते हैं जो कि टीज़र में जो है एक्सपोज हो चुका था, तो उसको जो है हटाने के लिए जो है बेसिक रामायण के जो हमारे जो हार्ट थिंग जो है हमें जो इमोशनल कर जाते हैं, ऐसे सीन्स को जो है डाला गया है, जहाँ प्रभास के क्लोजअप से लेते हुए माता सीता वाला क्लोजअप हिरण वाला और बाकी आप जो है कुछ सिक्स जो है प्लॉट को आप देख सकते हैं। रावण का जो है लुक देख लो, भिक्षा मांगते हुए लुक में उनका बड़ा बड़ा दाढ़ी दिख रहा है और बड़े बाल है, लेकिन वही देखोगे जब ना तो जब उनका ओरिजिनल लुक जब आया था तो उसमें बाल को छोटा कर दिया गया था किसी मौलाना की तरह। और वही बात है कि बेसिक से सबको स्टोरी लाइन पता है कि रामायण की क्या होने वाली है, जहाँ कुछ कुछ चेंज करके जो है रोमांटिक टच दिया गया है इसको। और आप देख ही सकते हैं कि बीच बीच में जो है उन्होंने रामायण को, ओरिजिनल रामायण के जो इमोशनल जो कनेक्शन है उसको जो है उसको जोड़ने का प्रयत्न किया है। और वही जो है प्रभास के जो बॉडी है और बाकी उनके डायलॉग डिलीवरी हो तो आप जानती हैं कि हिंदी में कैसी है, तो इसके लिए शरद कलकर का जो है वॉइस ओवर तो दिया ही गया है। और वही बात है कि अब क्या बोले यार, कितनी बुराई कर सकते हो भाई, लोग जो है इसके लिए प्रशंसा कर रहे हैं कि इसमें चेंज किया गया, जबकि आपको अभी से लिख के देता हूँ कोई चेंज वगैरह नहीं किया गया है इसमें। जो है मेन पॉइंट जो है रामायण उसको केवल हमारे सामने इसलिए रखा जा रहा है और जो मेन प्रोडक्ट है उसको छुपा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट थिएटर में देखने को मिलेगा, क्यों अभी से दिखा देंगे तो वैसे एक्सपोज करना पड़ेगा। और हनुमान जी का जो लुक है वो बिल्कुल मुझे तो पसंद नहीं आया भाई, क्योंकि मेरे लायक तो मैं जो सोचता हूँ वैसे हनुमान जी के लुक को बिल्कुल नहीं बनाया गया है। और ट्रेलर में आप देख सकते हैं 3:19 का ट्रेलर निकाला गया है और आधे समय तो उस ट्रेलर में कुछ ना कुछ लिखा आता है और बाकी हमारे गोरिल्ला चिपांजी इफेक्ट्स वाला जो चीज़ है वो दिख ही रहा है, क्योंकि हनुमान जी को महत्व दिया गया है। बाकी जो वानर करेक्टर्स हैं उनका पता नहीं ये लोग क्या करेंगे, उनका वॉइस ओवर कौन देगा, फिर उनको केवल CGI से बना दिया गया लग रहा है। तो देखते हैं कि 500 करोड़ 600 करोड़ के बजट में बनने वाली आदि पुरुष जून में ही आ रही है और यहाँ क्लोजअप प्रभास का केवल धनुष बाण चलाते हुए हम ले रहे हैं, उतने में जो है ट्रेलर पूरा ख़त्म हो जाता है। और बाकी बेसिक से चीज़ें तो सभी को पता ही है रामायण के बारे में। देखते हैं कि इन्होंने क्या अपना प्रोपेगेंडा इसमें घुसाया, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्म है भाई, बॉलीवुड वाले लोग हैं, इसमें कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा घुसाएंगे ही। इसमें भी जो है अग्नि परीक्षा के रिलेटेड कुछ भी ये लोग फेमिनिज्म वाला है, फिर कुछ ना कुछ ये लोग घुसा ही सकते हैं, क्योंकि बॉलीवुड से आप उस पर अंधविश्वास कभी कर ही नहीं सकते। राम जी को यहाँ तलवार चलाते हुए दिखाया गया, पता नहीं लक्ष्मण जी क्या बोल रहे हैं, हालांकि लक्ष्मण जी के लायक उसके औकात नहीं है शरीर सिंह की, लेकिन क्या कर सकते हैं, जो है जैसा है कैरेक्टर सभी प्ले कर रहे हैं। और यही है हमारे आदि पुरुष का ट्रेलर, आप देख ही सकते हैं भाई, जाके प्रीमियर तो हो ही चुका है। बाकी देखते हैं क्या होता है, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट में आता है हमारे सैफ अली खान का रावण वाला एकदम क्लोजअप वाला लुक। मैं सोच रहा था कि अब फेस रिवील होगा, अब देखते हैं कौन से चेंजेस किए गए हैं, लेकिन क्या है, पीछे से दिखाया जाता है, आँख खुलती है, बस हो गया ख़त्म। अरे यार क्या यार, वही मतलब बता रहा हूँ, आदि पुरुष के ट्रेलर वाले अपने जो मेन जो बेसिक पॉइंट्स है उसको जो है छुपा के ही रख रहे हैं। देखते हैं कि असल फिल्म कैसे निकल के आती है और लोग इनमें कितने पेड रिव्यूज़ ये लोग करा पाते हैं, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को झूठा हिट कराने के बाद, पठान को झूठा हिट कराने के बाद इसके असली सब जानते हैं। तो देखते हैं कि आदि पुरुष को कितने इन लोग के जो बैकअप में बचा सकते हैं बॉलीवुड वाले। महादेव जय जय श्री सीताराम।